प्लीज़ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हिमाचल एक्सप्लोरर। मैं हूं साहिल और आज मैं फिर से पहुंच गया हूं डलहौजी में बर्फ़ एंजॉय करने, क्योंकि भाई बर्फ़ काफ़ी पड़ रखी है। तो अभी देख दिखाता हूं मैं आपको, ये पीछे गाड़ी पार्क कर दी अभी यहां पे ऊपर धूपगढ़ी में डीपीएस डलहौजी के थोड़ा सा ऊपर डैनकुंड वाली रोड पर जा रहे हैं। अभी आगे बर्फ़ काफ़ी है तो गाड़ी इधर ही पार्क करनी पड़ी हमें, तो कर दी भाई पार्क। अभी निकलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको बर्फ़ का माहौल। थोड़ी थोड़ी अभी पड़नी भी शुरू हो गई थी। भाई चल रहे अभी पैदल, अपने साथ हैं शालू भैया और तरुण शर्मा जी, ये अपने फ्रेंड है भाई, नए नए फ्रेंड बने अभी। और ये भाई अपने पहले से फ्रेंड है और अभी जा रहे हैं, ले रहे बर्फ का एंजॉय, चल रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं डलहौजी की बर्फ़, इतनी खूबसूरत सी वादियाँ हैं भाई, फ़ोटोशूट करना तो बनता है। चलो फिलहाल चलते आगे, पहाड़ दिखाते हैं। ये देखो भाई बर्फ़ के पहाड़, छोटा सा पहाड़ है, ऊपर से मेरे को लगता है ग्लेशियर आया हुआ है, तो इधर ज़्यादा इकट्ठा हो चुकी है। देखते हैं अभी हिल टॉप स्कूल के पास पहुँचे, पीछे बंदे देखो भाई क्या एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ का पूरा। और आगे अभी जाना है थोड़ा, देखते हैं कहाँ तक बंदे चलते हैं। कुंड में भी काफ़ी बर्फ़ हो रखी है ऊपर, और जा सकते हो आप भी यहाँ से गाड़ी वगैरह रेंट पे लेके, 4x4 लेके, या अपनी गाड़ी भी रिस्क है, बट अपनी गाड़ी तो अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे लोग, तो 4x4 गाड़ी अलाउ है। अगर आपके पास 4x4 है तो आप जा सकते हो अपनी लेके, बाकी गाड़ियाँ यहाँ जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ऊपर बर्फ़ काफ़ी पड़ रखी है भाई, लगभग 4 फीट के करीब तो बर्फ़ है भाई ऊपर डैनकुंड में। तो आप लेना चाहो इंजॉय तो आ सकते हो। अभी जनवरी का मंथ चल रहा है तो जनवरी तो ख़त्म है ऑलमोस्ट, तो फरवरी तक तो बर्फ़ रहेगी भाई, 14-15 तक। चंद का कड़ा बना दे। पानी का टैंक है ये, स्टोरेज टैंक भाई, कितना कैपेसिटी इसकी, 27,27,27,000 लीटर्स। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 27,27,000 लीटर। एक बार दिखा देते हैं, अब पहुंचने वाले। यार मास्क मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि ठंड काफ़ी है, मुंह पे पूरी ठंड सी लग रही है, इसलिए मास्क लगा लिया भाई थोड़ा ठंड से बचने के लिए। भाई तो क्या मस्त, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो खाने वगैरह के लिए। और भाई ये देखो यार, बर्फ़ में ढकी हुई गाड़ियाँ, मेरे को लग रहा है भाई ने काफ़ी दिनों से निकाली नहीं, जब से बर्फ़ पड़ी हुई है तो गाड़ी यहीं है ये दबी हुई, और ये निकलेगी जब बर्फ़ थोड़ी पिघलेगी या फिर कोई हटाएगा इतनी सारी बर्फ़। तो मंदिर भी आ गया प्यारा सा, ऊपर जाना जय माता दी, थोड़ा सा जाना है भाई यहाँ, ना 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 इधर नहीं, इधर नहीं, इधर तो क्यों जाना है भाई, यही तो खूबसूरत सी जगह, जाते तो इधर भी पहले अगे चलते। डोगी भी आ रहा है प्यारा प्यारा, थोड़ा सा इसको लग रहा है कुछ टांग लगी हुई, क्या हो गया वो भाई, इसको लग रहा है कि टांग में लगी हुई है थोड़ी सी। तो भाई क्या मस्त जगह आ रही है आगे, और बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं अभी हम, और काफ़ी प्यारा व्यू भी देखने को मिल रहा है, मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, बट थक भी लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि काफ़ी चल के आए अभी हम, 2 किलोमीटर तो हो गया हमारा शायद से चलते हुए। तो अभी बस अभी यहीं तक आना था, यहीं तक आने का प्लान था अभी, तो यहाँ देखते अभी चाय वगैरह मिलेगी तो पियेंगे फिर निकलते हैं। पहुँच गए वादियों में, काफ़ी खूबसूरत सी जगह डलहौजी में, ये इस जगह का नाम वैसे 12 पत्थर आई थिंक सो, तो खूबसूरत सी जगह है काफ़ी। आलू विकास केंद्र है भाई, कितनी खूबसूरत सी जगह पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी आलू वगैरह होते होंगे मेरे हिसाब से, और यहाँ पे है ये जो भी है इसका पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन आला, और काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से आप देख सकते हो यार, आला से 12 पत्थर से, और इस तरफ ऊपर ये है ऊपर लक्कड़ मंडी के लिए रोड है यहाँ से खजियार के लिए, और ऊपर है डैनकुंड पीक। तो
पीक पे तो काफ़ी इस टाइम स्नो होगी, लगभग 4 फीट के करीब होगी और खूबसूरत सा व्यू होगा, लेकिन अभी यार पहुंच नहीं पाएंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि अंधेरा हो गया और काफ़ी दूर है, तो चल चल के तो नहीं पहुंच पाएंगे यार अभी, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं कल या परसों तक का और ऊपर चलते हैं, अब ऊपर का भी आपको व्यू दिखाएंगे। आगे शायद से चाय मिल जाएगी मेरे को लग रहा है कि चाय पीते हैं, देखते हैं पूछते हैं। हाय मजे, बनवाई चाय नहीं पीने बनवाई टी पार्टी, चेक कीजिए टी पार्टी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है लग रही है भाई, भाई को ठंड खा लिया है, थोड़ा सेट हो चुके, गर्म हो गया अंदर से है? तो निकल रहे हैं जी भाई। इन शूजों का क्या सीन है, ये शूज जो है पीछे कौन से भाई? वो उन्होंने ये भाई बर्फ में ना चलने के काम आते हैं ना, लोग रेंट पे देते हैं ये, हम तो चलने के लिए हमने तो सिंपल भी ठीक है, तो हम भाई हिमाचली लोग ना भाई, तो पीछे है अपना कैफे, इधर पी ली चाय वगैरह, यहीं से वापस मुड़ ली है, क्योंकि कैमरे की बैटरी भी लो हो गई है, तो शूट वगैरह कर पाएंगे नहीं, तो फ़ायदा कुछ नहीं है ऊपर जाने का भी, तो अंधेरा भी काफ़ी हो रहा है, तो एक बार फिर से आपको व्यू दिखा देते हैं लास्ट। तो गाइज होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो ब्लॉग मेरा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।